हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 के 38th मैच के बारे में, जो कि किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स है फ्रेंड्स। और इस मैच को आप कल 7:30 बजे शाम से देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क में और डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस मैच की और आईपीएल के सारे मैचेस की फिक्स्ड रिपोर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ, तो स्क्रीन पे सिगहम टिप्स का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है फ्रेंड्स, इनसे जाके आप रिपोर्ट ले लें। काम इनका काफ़ी बेहतर है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये नंबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इनके नंबर से ज्वाइन हो जाएँ। तो कल का ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग फ्रेंडली है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 170 देख सकते हैं। वेदर की बात की जाए तो क्लियर स्काई रहने वाला है, बारिश होने की संभावना नहीं है। तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल पे फर्स्ट पोजीशन पे है 14 पॉइंट के साथ। 9 मैचेस खेली है, 7 मैचेस में जीत हुई है। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब की बात की जाए फ्रेंड्स, तो वो 6th पोजीशन पे है 6 पॉइंट के साथ। 9 मैचेस खेली है, 3 मैचेस में जीत हुई है। तो हेड टू हेड मैचेस के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स आगे है फ्रेंड्स। इस लीग में भी इन दोनों के बीच एक बार मैच हो चुका है फ्रेंड्स, जो कि इस लीग का सेकेंड मैच था फ्रेंड्स, और वो मैच टाई हो गया था। फिर सुपर ओवर से दिल्ली कैपिटल्स की जीत हुई थी। अब अगर प्रीवियस ईयर के हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इन दोनों टीम्स के बीच इससे पहले 25 टाइम्स मैचेस हुए हैं, जिसमें 14 टाइम्स किंग्स इलेवन पंजाब की जीत हुई है और 11 टाइम्स दिल्ली कैपिटल्स की जीत हुई है। तो प्रीवियस ईयर के हेड टू हेड मैचेस के अनुसार किंग्स इलेवन पंजाब आगे है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की, तो किंग्स इलेवन पंजाब अपना पिछला दोनों मैचेस जीती है फ्रेंड्स। लास्ट मैच में इन्होंने मुंबई इंडियंस को हराया था फ्रेंड्स, मैच टाई हो गया था, लेकिन सुपर ओवर में इनकी जीत हुई थी। तो बॉलर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो मोहम्मद शमी काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। वहीं बैटिंग में केएल राहुल काफ़ी अच्छे फॉर्म में है फ्रेंड्स। अब अगर प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो किंग्स इलेवन पंजाब से केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, गैलन मैक्सवेल, दीपक हुडा, क्रिस जॉर्डन, मुर्गन अश्विन, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह, ये हो सकते हैं प्लेइंग इलेवन किंग्स इलेवन पंजाब के, जिसमें मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ओपन करेंगे इनिंग्स। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो वो भी अपना पिछला मैच जीती थी, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ था। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग इलेवन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोनिस, एलेक्स कैरी, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, तुषार देशपांडे, कैगिसो रबादा एंड रिच, ये हो सकते हैं प्लेइंग इलेवन दिल्ली कैपिटल्स के। तो फ्रेंड्स, मैच विनर बताने से पहले बता दूं कि अगर आप इस मैच की और आईपीएल के सारे मैचेस की फिक्स्ड रिपोर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ चाहते हैं, तो स्क्रीन पे सिगहम टिप्स का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है फ्रेंड्स, इनसे जाके आप रिपोर्ट ले लें। काम इनका काफ़ी बेहतर है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये नंबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप इनके नंबर से ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों ही टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, मेरे अनुसार किंग्स इलेवन पंजाब कल का ये मैच जीत सकती है। आपकी अपनी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।